इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक ट्रेपेजियम ए बी सी डी जिसमें पैरेलल साइड्स है ए बी और डी सी और नॉन पैरेलल साइड्स है ए डी एंड बी सी। हमें यह दिया हुआ है कि अगर ये नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाए तो यह ट्रेपेजियम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं ए बी इज पैरेलल टू डी सी और ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए डी और बी सी पैरेलल नहीं है बट इक्वल है नॉन पैरेलल साइड से। हम कंस्ट्रक्शन करते हैं बी से, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। ये लाइन सेगमेंट बी ई इंटरसेक्ट करेगी डी सी को ई पर और दूसरी कंडीशन ये लाइन सेगमेंट बी ई जो है पैरेलल होगी ए डी के। कहने का मतलब मैंने बी से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी शुरू की और यहाँ पर स्टॉप की तो लाइन सेगमेंट बनी बी ई। ठीक है, अब देखिए नया क्वाड्रिलेटरल बना ए बी ए बी ई डी। हम देखते हैं ए बी ई डी में ए बी पैरेलल है डी ई के क्योंकि हमें दिया हुआ है ये ट्रेपेजियम है और ए डी पैरेलल बन गया है बी ई के क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन की है। तो इस तरह से ये दो ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल बन गए, जैसे ये इसके पैरेलल ए बी पैरेलल टू डी सी डी ई और ए डी पैरेलल टू बी ई। तो ये बन गया एक पैरेललोग्राम, ए बी ई डी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी तो ये साइड ए डी जो है वो बी ई के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ए डी इक्वल होगी बी ई के क्योंकि ऑपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम की। बट हमें तो शुरू में दिया हुआ था कि जो ए डी है वो बी ई के इक्वल है और अब हम कह रहे हैं पैरेललोग्राम होने की वजह से ए डी जो है बी ई के इक्वल होगी। इसका मतलब अगर हम दोनों कंडीशंस को ट्रू माने तो ये दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर ये दो साइड्स इक्वल हो जाती है तो ट्रायंगल बी ई सी बन जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो एंगल्स होते हैं इक्वल साइड्स के ऑपोजिट, जैसे इस साइड के ऑपोजिट ये वाला एंगल है और इस साइड के ऑपोजिट ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। चलिए हम इनको एक्स मान लेते हैं, लेट ये एक्स है ये भी एक्स है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हुए। अब अगर ये एक्स है तो जो एंगल बी ई डी है वो होना चाहिए 180 डिग्री माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल्स एंगल बी ई डी और एंगल बी ई सी लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल हैं तो ये दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर ये x है तो ये बनेगा 180 माइनस एक्स। अब यहाँ देखिए पैरेललोग्राम ए बी ई डी में ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं, पैरेललोग्राम में दोनों एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये 180 माइनस एक्स है तो ये एंगल भी 180 माइनस एक्स होगा। अब हम ओवरऑल देखते हैं क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में, देखिए आप ये दो ऑपोजिट एंगल हैं क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में, पूरे ट्रेपेजियम में इन दोनों का सम 180 है। इसी तरह से अब इन दोनों का सम 180 हुआ तो बाकी दो एंगल्स का सम भी 180 होगा क्योंकि चारों का सम तो 360 होना चाहिए। अगर 180 ये दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं तो बाकी 180 डिग्री ये दोनों एंगल्स बनाएंगे। तो इस तरह से ऑपोजिट एंगल्स का सम हो गया 180 डिग्री। ये तभी होता है जब क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक हो। तो हमने देखा कि एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी जिसमें ए डी और बी सी नॉन पैरेलल साइड से वो इक्वल है तो वो साइक्लिक बन गया।